में अगर हम बात करें पांजीपाड़ा ग्राम पंचायत के बॉडी का और पांजीपाड़ा ग्राम पंचायत के तमाम मेंबर का, तो तमाम मेंबर ने और पॉलिटिकल लीडर ने यह फैसला लिया है कि जब तक मेन जो कल्प्रिट है, मेन जो असामी है, पुलिस जब तक उसको नहीं पकड़ती और उसके पीछे जितने भी लोग हैं उनको अगर पुलिस नहीं पकड़ती है, तब तक हम लोग अपना काम काज पंचायत ऑफिस में बंद रखेंगे। इसी को लेकर आज पांजीपाड़ा ग्राम पंचायत के तमाम पॉलिटिकल लीडरों का अगर कहा जाए तृणमूल कांग्रेस के एक मेमोरेंडम लिखित तौर पर बीडीओ ऑफिस में दिया, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक मेन जो कल्प्रिट है, मेन जो आसामी है, उसको पुलिस नहीं पकड़ती है, हम लोग पांजीपाड़ा ग्राम पंचायत के काम काज बंद रखेंगे। यानी कहा जाए साफ तौर पर अनिश्चितकालीन तौर पर इसको बंद रखेंगे। इस क्रम में अगर हम बात करें तृणमूल कांग्रेस के कई सीनियर लीडर अगर बात करें, तृणमूल कांग्रेस के पांजीपाड़ा ग्राम पंचायत के अंचल प्रेसिडेंट फिरोज खान, हाजी लाल मोहम्मद, उबैदुल्ला शम्स उर्फ मुन्ना जो तृणमूल कांग्रेस INTTUC के ब्लॉक प्रेसिडेंट है, वो भी शामिल थे, और एक्स प्रधान कहा जाए शांति रंजन मिर्धा, अभी के जो उप प्रधान है राजा सिंह, तमाम लोगों का एक शिष्टमंडल जो है वीडियो ऑफिस से मुलाकात की। और उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम लोग जब तक मेन आसामी, मेन कल्प्रिट जो इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है, जब तक नहीं पकड़ा जाता है, हम लोग अपने कामकाज को बंद रखेंगे। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं तमाम लीडरों का एक एक करके कि आखिर उन लोगों का क्या कहना है, और वीडियो और जो ग्वालपोखर एक नंबर ब्लॉक के जो वीडियो है, उन्होंने उन लोगों को क्या आश्वासन दिया। सीधे तौर पर हम लोग उन्हीं से उनकी जुबानी सुनते हैं। ग्राम पंचायत का पूरा जो मंडल जो है वीडियो साहब से मुलाकात, क्या विषय था कि मुलाकात की क्या वजह थी? आज वीडियो साहब से मिलने का ये कारण था, अगला बुधवार को वहाँ का जो प्रधान पांजीपाड़ा अंचल का जो प्रधान जनाब भाई साहब, तो मेरे मामा भी लगेंगे, चार बहन एक भाई था, वो लोग का जो किलिंग किया गया, ये बेदर्दी से जो हत्या किया गया, उस दिन से तो पंचायत बन ही था, लेकिन हम लोग सारा जो मेंबर अभी बचे हैं, मैंने 28 मेंबर बचे हैं ऑपोजिशन को लेकर के, हम लोग 18 और 28 बचे, एक किलिंग है, एक पकड़ा गया है, 28 हम लोग बचे हुए हैं। हम लोग सब पे मिलके एक मत हुए हैं जो हम लोग पंचायत को बंद रखेंगे। एक तो डिसीजन हम लोग लिए थे जो हम लोग पोजीशन में थे मेंबर लोग, फिर हम लोग के साथ में ऑपोजिशन भी जुड़ा, इन लोगों भी हम लोग के मत से मत मिलाया, और सब पे मिलकर के एक ही डिसीजन हुआ जो हम लोग पंचायत को अनिश्चित काल से बंद करेंगे। इसीलिए एक तो मेमोरेंडम देने आज हम लोग वीडियो साहब को आए थे, पंचायत हम लोग बंद रखेंगे। क्या वीडियो साहब क्या लगता है कि पुलिस काम से आप लोग असंतुष्ट हैं? पुलिस तो काम कर रहा है, और पुलिस अपना काम कर रहा है, हम लोगों को बोल रहा है, अरेस्ट भी कर रहा है, अरेस्ट जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं जो पुलिस बैठा हुआ नहीं है, दौड़ा दौड़ी कर रहा है, लेकिन हम लोग का आदमी डेड हुआ है, हम लोग का आदमी किलिंग हुआ है, हम लोग का दिल मान नहीं रहा है जब पुलिस खड़ा उतर रहा है। हम लोग ये कर रहे हैं, पुलिस तो हम लोग को दिखा रहा है जो 3-4 अरेस्ट हुआ है, जिसमें से एक शूटर भी है, उसको भी एक को पकड़े हैं, 4 में एक पकड़े हैं, लेकिन हमारे लोगों का दिल में यह संतुष्ट नहीं हो रहा है। जो किलर पकड़ने से नहीं होगा, किलिंग कराने वाला को पकड़ना होगा, मास्टरमाइंड जो पांजीपाड़ा का इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है, किसी एक पॉलिटिकल पर्सन को गोलीबाजी कहीं हुआ नहीं है। और क्या गोलीबाजी पॉलिटिकल पर्सन का, किसी भी आम पब्लिक कोई दुश्मनी कोई ये पांजीपाड़ा अंचल में कभी हुआ नहीं है, ऐसा पहला घटना हुआ है, दुखद घटना हुआ है जो हुआ है, ऐसा आदमी के साथ हुआ जो पांजीपाड़ा का एक हार्ट ऑफ द मैन था, जो मैन पांजीपाड़ा का जो हर वक्त डेवलपमेंट के लिए सोचता था, कैसे काम को निकालना है, कैसे करना है, हर ऑफिस में जानकारी रखना और हर आदमी से मिलना और कैसे काम को अंजाम तक पहुंचाने का वो जानता था। आज पांजीपाड़ा के वासी के हाथ नाते और उनका हम भगना के नाते, भांजा के नाते, आज हम देख रहे हैं जो बहुत हमारा तो घरेलू खोती हुआ ही है, और पांजीपाड़ा अंचल का भी बहुत बड़ा मतलब खती हुआ है। अच्छा मामला भाई, कब तक आप लोग ये काम बंद रखेंगे? हम लोग तो वीडियो साहब को ये दिया जाए अनिश्चित काल के लिए पंचायत हम लोग बंद रखेंगे, लेकिन वीडियो साहब का अपना कुछ मजबूरी है, वो हम लोगों को बोला जो ऐसा मत कीजिए,
पंचायत भी पीछे चल जाएगा, काम भी करना है। लेकिन हम लोग फिर वीडियो साहब को बोले, हम लोग के सीनियर लीडर्स है, उनके साथ हम लोग बैठेंगे, फिर आप लोग जो डिसीजन लेने का हम लोग लेंगे। हम लोग एक मेमोरेंडम पांजीपाड़ा के जितने भी मेम्बरान हैं उप प्रधान समेत एक मेमोरेंडम वीडियो साहब को दिए कि जब तक हमारे प्रधान राही साहब का, मोहम्मद राही साहब का कातिलों को नहीं पकड़ता है प्रशासन, तब तक पंचायत में हम लोग कोई काम ना करें। क्या लगता है कब तक का ये आश्वासन, कब तक ये काम बंद रहेगा? हम लोग तो बोले जब तक नहीं पकड़ा जाता है तब तक बंद रहे। अब तक अभी पुलिस 3 लोगों को पकड़ने में बताया जा रहा है, क्या पुलिस के काम पे आप लोगों को संदेह है? नहीं, पुलिस के काम पे संदेह नहीं है, शक भी नहीं है, वो लोग अपना काम कर रहा है। उन लोगों का कहना है कि बहुत ही रिजल्ट के करीब है, मुजरिमों को पकड़ने के बहुत ही करीब है, 70-80% वो लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो इंशाल्लाह प्रशासन के तरफ से जो कोशिश है उस पर हम लोग सुन के यही कह रहे हैं कि 80% ये केस समाधान होने के करीब करीब है। देखेंगे आइंदा कई दिनों के अंदर सारे मुजरिमान पकड़े जाएंगे। आज आप लोग एक डेलीगेशन आए थे, क्या? देखिए अभी वीडियो साहब के पास एक मेमोरेंडम पेश किया हम लोग, वीडियो साहब पूरा आश्वासन दिए हैं कि जिस तरह से पुलिस सुपर और पांजीपाड़ा प्रशासन हम लोगों को एक आश्वासन दिया है, ठीक उसी तरह वीडियो साहब भी आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आसामी पकड़ा जाएगा। वीडियो साहब के आश्वासन पर सभी मेम्बरान जो खुश है, वीडियो साहब का आश्वासन हुआ कि बहुत जल्दी डेवलप करेगा, इसका रिजल्ट भी आएगा और आसामी कातिल पकड़ा भी जाएगा। प्रशासन पूरा अलर्ट है और यही बोल करके पांजीपाड़ा ग्राम पंचायत के तमाम मेम्बरान सील साइन के साथ एक मेमोरेंडम वीडियो साहब के यहाँ पेश किया। हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर रिजल्ट मिलना चाहिए। हम लोगों को पूर्ण आस्था है प्रशासन के ऊपर में और ब्लॉक प्रशासन के ऊपर में भी पूर्ण आस्था है और उम्मीद है कि कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, कत्ल करने वाला भी पकड़ा जाएगा। इसी को देखते हुए हम लोग ब्लॉक प्रशासन के यहाँ एक मेमोरेंडम पेश किया है। आज बेगर वजह बेगर कसूर किसी पारिवारिक झगड़ा की वजह से हम लोगों पर टॉर्चर हो और हम लोग का हत्या हो तो ये तो पब्लिक मान नहीं लेगा। पब्लिक का दबाव है, पब्लिक का चाप है, फिर भी हम लोग वीडियो साहब से बात करें। हम लोग का सीनियर लीडर है गुलाम रसूल मनीदा और अहमद राजा बाबू, ये लोग जो डिसीजन लेंगे वीडियो साहब के साथ बैठे हम लोग के साथ बैठे हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। हम लोग करना होगा, काहे डेवलपमेंट का भी काम करना होगा और हम लोग का जो नुकसान हुआ है उस पर भी लोगों को बर्दाश्त नहीं है, लोग परेशान है। जो अब तक मेन आसामी जो है वो पकड़ा नहीं गया है और वो तो अभी पांजीपुरम में एक तरह का डॉन माना जाता है, बोले तो कैसा डॉन है, क्या है नहीं है देखा जाए, पुलिस क्या कर रही है, कोशिश में है, नाम नहीं बताएंगे, कोशिश है पुलिस का पकड़ने के लिए जो भी अपराधी है। हाँ, जो भी अपराधी है पुलिस पकड़ेगा जरूर, ये यकीन है हमको और उस दिन से पुलिस के साथ हम भी पहल कर रहे हैं। जहाँ भी जुगाड़ जो होता है जुगाड़ करने का हम भी कुल्लू निकालते हैं और पुलिस भी निकालते हैं, बहुत लोगों को उठाए, किसी का परिवार को उठाए, लेकिन अभी तक दो पकड़ा गया है, शूटर दो पकड़ा गया है, दो बार है और सुपारी देने वाला बार, ये 3 बार है। ये 3 अगर पकड़ा जाता है तो फिर जो कानूनी तरीके से जो फैसला आना है वो ये घटना होने का अप्रोक्स 8 दिन के करीब होने, 1 हफ्ता होने जा रहा है, 7 दिन हो गया। तो क्या लगता है किसी दिन और आपका पंचायत का काम बंद रखने का आप लोगों ने फैसला? नहीं, ऐसा फैसला हम लोग का नहीं है, देखिए वो भी सोचना होगा, लेकिन तत्काल लोगों का चाप है इलाके में, पूरे अंचल का चाप है, जो अभी आसामी पकड़ा नहीं गया है आप लोग इस तरीके कीजिए, जो जिस तरीके का मशवरा देने का देता है, लेकिन उस पर तो हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग कानूनी जो कार्रवाई है और पंचायत जो रोल है उसको भी मानना होगा, उसको भी मान के चलना होगा और कानून का जो तौर तरीका है आसामी पकड़ने का वो भी अपना तरह से कर रहा है, इन लोगों मानते हुए हम लोग चले। पुलिस के कार्रवाई से संतुष्ट? हम लोग संतुष्ट है, कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। আপনার দীর্ঘদিনের সাথী, দীর্ঘদিনের সাথী মোহাম্মদ রাহিদা একটা নির্মম প্রক্রিয়া হয়েছে, আজকে আপনার ভিডিও অফিস আসছেন, কি কথা? দেখুন, দীর্ঘদিনের সাথী আপনি ঠিকই বলেছেন, 2008 থেকে উনি যখন পঞ্চায়েত নির্বাচন জিতে এসে উনি এবং আমি 2008 থেকে একভাবে একসঙ্গেই
আমরা কংগ্রেসে ছিলাম, তৃণমূলে আসলাম, শাসক দলে আসলাম, তখন থেকে কন্টিনিউ আমরা একসঙ্গেই এক প্ল্যাটফর্মে দুজনে রাজনীতি করে আসছি, কংগ্রেসেও টিএমসিতেও। যখন যা সুবিধা হবে ভালো মন্দ আমার তো ওনাকে শেয়ার করতাম, ওনার তো আমাকে শেয়ার করতো, আমরা যৌথভাবে একদম ক্লোজ ভাইয়ের মতো বলেন। আর যদি বলেন আমার যদি দুনিয়াতে একটা বন্ধু থেকে থাকে, রাহিদা ছিল। গতবার আমার মিসেস মঞ্জুরা নিমিদা প্রধান ছিল, তো উনি প্রধান সঙ্গে রাহিদা উপপ্রধান ছিলেন। টোটাল কাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডেভেলপমেন্ট কাজ উপপ্রধান সাহেব নিজে হাতেই করতেন, টোটালি ওনাকে দিয়ে করাতাম। আমি সঙ্গে থেকে আমার জন্য মিলেমিশে মেম্বারদের নিয়ে আলোচনা করে করতাম। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস, কার এত বড় ক্ষতি হলো, সর্বনাশ করলো? আমি তো আমার নজরে পড়ে না যে একটা জনপ্রতিনিধি, একটা জনপ্রিয় নেতা, যার জন্য পুরো পাঞ্জি পাড়ানো পুরো গলপুকুর শুধু চোখের জল ছাড়ার কিছু দেখিনি। কি দরকার ছিল, কি এত সর্বনাশ করলো, কে খুনিটা বা কে খুন করালো, আমরা এটা নিয়ে খুব ধন্দে পড়ে আছি, আমরা এখনো আতঙ্কে আছি। আমরা জনপ্রতিনিধিরা যদি এই পরিস্থিতি হয়, সাধারণ মানুষের পরিস্থিতি কি হবে? তো আমি আজকে আমরা সব মেম্বার সাহেবরা এসেছিল, উপপ্রধান সাহেব এসেছে, বিডিও সাহেবকে আমরা একটা মেমোরান্ডাম দিলাম যে আরো কিছুদিন যথাসময় আরো মূল অভিযুক্ত যে এই মূল মাথা যে করিয়েছেন, মার্ডারটা করিয়েছেন, যে করেছেন তারা নাকি ধরা পড়েছে, আর যে করিয়েছেন তাকেও দরকার আমাদের সামনে উঠে আসা। তত পর্যন্ত যেন গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসটা বন্ধ থাকে। বিডিও সাহেব অনেক রকম সুবিধা সুযোগ কথা বলছেন, আমিও জানি অফিস চালাতে হলে বা একটা প্রশাসক থাকলে তার অনেক রকম প্রবলেম হয়। আমি 2003 থেকে 2008 আমি নিজে প্রধান ছিলাম, তো জানি যে উনি করতে পারবে না। তবু উনি বলছেন যে আমি যতটা কপারেশন করার চেষ্টা করব, কিন্তু অফিস খুলতে হবে, নাহলে পাবলিকের ডেভেলপমেন্টটা থেকে যাবে। তাই আমরা আপাতত বন্ধ থাকবে, এটাই আমরা বিডিও সাহেবকে রিকোয়েস্ট করে বলে আসলাম, এবং একটা মেমোরান্ডাম দিয়েও আসলাম। আমরা চাই খুনি যেন খুব তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে, তাহলে আমরা অনেকটা নিশ্চিত হতে পারবো। পুলিশ যা করছে যথেষ্ট করে যাচ্ছে, আমরা অস্বীকার করব না, পুলিশ ভালোই করছে, নাহলে এত তাড়াতাড়ি কিছু কিছু ধরা পড়েছেও শুনেছি। এখন পুলিশই বলতে পারবে কতটা এগুলো আর কতটা বাকি আছে, ওনারাই বলতে পারবেন, প্রশাসনই বলতে পারবেন। তা আশা করি প্রশাসক, প্রশাসন বা লিডারশিপটা আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা চাই প্রশাসন, লিডারশিপ সকলকেই চাই যে যেন অরিজিনাল খুনি যেন যে করিয়েছেন সে যেন ধরা পড়ে, এটাই আমার আশা আকাঙ্ক্ষা। এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত সমাপ্ত করছি। প্রধান এক হাতিয়ার হয়েছে, আমরা ভিডিও সভা অফিসে আসলাম, আজকে আমরা ভিডিও সাহেবের কাছে আসলাম রিকোয়েস্ট করে সব মেম্বার মিলে যে কিছুদিন আমাদের প্রধান অফিস বন্ধ থাকো, তার মধ্যে আমাদের হাতিয়ার এখনো ক্লিয়ার হয় নাই। ক্লিয়ারের জন্য ভিডিও সাহেবের কাছে একটু রিকোয়েস্ট করলাম, কিছুদিন থাকো, একটু পুলিশের উপরে, পুলিশের উপরে প্রেসার করো। সেটা আমরা ভিডিও সাহেব বললো ঠিক আছে, আমরাও একটু মিলাই গিলাই দেখি। পুলিশ তো এখন দেখা যাচ্ছে ভালোই পুলিশ কাজ করতেছে, করতেছে। রাজা সিং, উপপ্রধান পাঞ্জিপাড়া। वैसे पांजीपाड़ा प्रधान मोहम्मद राही के का जो मर्डर का मामला है, अगर बात करें पुलिस की तरफ की, तो पुलिस भी अपने पूरे यंत्र को लगा चुकी है और पूरी तरीके से छानबीन कर रही है। अब तक जो ऑफिसियल जानकारी मिली है, इसमें तीन ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक तो अस्थायी जो मेंबर उनके साथ में मोटरसाइकिल पर बैठे थे, उनको पहले ही दिन पुलिस गिरफ्तार की। उसके बाद भी पुलिस ने दो से तीन लोगों को, ऑफिशियली अगर जानकारी हमारे पास है, दो लोगों को जिसमें से एक शूटर है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। ऐसे में देखना अहम होगा कि इस्लामपुर पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस या कहें ग्वालपोखर की पुलिस कब तक इस पूरे मामले को सुलझाने में सफल हो पाती है। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर से मैं फैजान अशरफ, न्यूज़ इंडिया।